हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली के मशहूर और हिस्ट्रिकल बाज़ार चांदनी चौक में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। हम पहुंच गए हैं लाल किला बस स्टॉप में। यहां से चांदनी चौक बिल्कुल ही नज़दीक है। आप मेट्रो से भी आ सकते हैं लाल किला या चांदनी चौक मेट्रो में उतर कर। मुग़ल सम्राट शाहजहां ने 1700 सदी में ये बाज़ार बनवाया था। इस बाज़ार का नाम चांदनी चौक इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो चांदनी चौक रोड है, इसके बीचों बीच एक वाटर कैनल हुआ करता था उस ज़माने में। उस वाटर कैनल में चांदनी रात की खूबसूरत छवि दिखती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था चांदनी चौक। यह है लाल किला और इसके बिल्कुल वेस्ट साइड में है चांदनी चौक। चलिए आपको घुमा के दिखाते हैं। ये रोड है, रोड पार करते ही आपको दिखेगा चांदनी चौक। चलिए रोड पार करके चांदनी चौक चलते हैं। रिसेंटली चांदनी चौक का रीडेवलप किया गया है और ये गेट बनाया गया है। अब इसके अंदर मोटरसाइकिल या टैक्सी चलना अलाउड नहीं है दिन के वक्त, रात को चल सकता है। चांदनी चौक रोड के शुरू में ही आपको दिखेगा दिगंबर जैनलाल मंदिर, जो कि 1656 में बनवाया गया था। और उसके बाद दिखेगा गौरी शंकर मंदिर, जो कि मराठा जनरल अप्पा गंगाधर ने बनवाया था। दिन में तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी रात का वक्त है इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। और राइट साइड में आपको दिखा रहा हूँ मेट्रो, लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 है। बहुत भीड़ है यहाँ पे, लोग लाइन पे खड़े हैं। और ये पीछे की तरफ भी आपको घुमा के दिखा दूँ, ये गेट जो आपको बताया अभी चांदनी चौक में एंट्री करने के लिए, और उसके पीछे दिख रहा है लाल किला। आपको चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ। चांदनी चौक का पुनर्निर्माण के बाद कई सारे साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। लिखा है सुभाष मार्ग, मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड 9 AM to 9 PM, और आप देख सकते हैं टॉयलेट्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, नो पार्किंग। अब हम आ गए हैं पुष्पा बाज़ार। यहाँ पे आपको फूल मिल जाएगा, ये राइट साइड को मिलेगा। यहाँ से फ्लावर लेके लोग मंदिर में जाते हैं, श्री गौरी शंकर मंदिर यहीं पे है और जैनलाल मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शेखर इंटरप्राइज बैग के दुकान है, और भी आगे चलेंगे यहाँ से, आपको दिखा दूँ ये दुकान। ये देखिए चप्पल के दुकान है, ये आर्टिफिशियल घर सजाने के लिए फूल है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ती है आपको दिखेगा राइट साइड में एक बिल्डिंग, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये बिल्डिंग है, चांदनी चौक शाखा। थोड़ा सा आगे बढ़ती है दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अंदर हम चलेंगे अब राइट साइड में। देखिए बहुत सारे लाइट हैं, हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। ये देखिए ऊपर देखिए, ये घर सजाने के लिए कितने खूबसूरत लाइटें हैं, बहुत कीमती है और बहुत खूबसूरत है, देखकर आप पता लगा सकते हैं। आपको अगर अपना घर सजाना हो तो आप यहाँ आके ख़रीद के ले जा सकते हैं। बिल्कुल रंग बिरंग और बहुत तरह के डिज़ाइन के बल्ब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पुनर्निर्माण के बाद चांदनी चौक की खूबसूरती और बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से चल रहे हैं लोग और बीचों बीच पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए शादी बाज़ार, यहाँ पे तो शॉप ही शॉप है, आपको कुछ भी मिल जाएगा। चांदनी चौक मतलब आप कुछ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कपड़े, चप्पल, इलेक्ट्रिकल्स, लाइट्स, कुछ भी। देखिए बीचों बीच में पेड़ भी लगाए गए हैं, ये डेवलप जब से किया गया है। ये मैकडोनल्ड्स है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको दिखेगा सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च। ये चर्च बनवाया गया था 1814 में। ये चर्च के अंदर का हिस्सा भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा गेट बंद है लेकिन आपको फिर भी दिखाएंगे। ये देखिए अंदर का हिस्सा है। ये देखिए पावर बॉक्स पुनर्निर्माण के बाद बिठाया गया है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही शीशगंज गुरुद्वारा दिखेगा। ये गुरुद्वारा बनवाया गया था सिख धर्म के 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के याददाश्त के तौर पर 1783 में सिख सरदार
बघेल सिंह ने ये गुरुद्वारा बनवाया था। यहाँ से एक रोड जाता है राइट की तरफ, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए इस पार की जेंट्स शर्ट एंड ट्राउजर, हल्दीराम्स रेस्टोरेंट, ये आप देख सकते हैं ब्रांडेड है। सब यह ब्राइडल वेयर्स, और इसके बाद अमेरिकन टूरिस्टर लगेज बैग की ये दुकान है। देखिए 40% ऑफर साइन बोर्ड, देखिए पराठे वाली गली, इस गली में एक पराठे की दुकान है, 1875 से चल रहा है ये। स्वीट्स की दुकान देखिए आप। चलिए और आगे चलते हैं, पूरा चांदनी चौक आपको दिखाएंगे। न्यू वेज, ये कपड़े की दुकान, उसके बाद ये भी एक कपड़े की दुकान आप देख सकते हैं। ईशान सिंह, दीदार सिंह ज्वेलर्स, ये ज्वेलरी की दुकान है, ये कोई मामूली बाज़ार नहीं है। ये मुग़ल ज़माना भी देखा, अंग्रेज़ ज़माना भी देखा, और आज़ाद हिंदुस्तान भी देख रहा है। बहुत पुराना बाज़ार है, इंडिया में ऐसे पुराने बाज़ार बहुत कम मिलेंगे आपको। ये चांदनी चौक बहुत फेमस है इंडिया में। अब हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक के मेन चौक में। ये देख सकते हैं ये मेन चौक है, यहाँ से साउथ की साइड जाती है नई सड़क। ये देखिए नई सड़क, ये साउथ साइड में, और यहाँ से हम पीछे से आए हैं ईस्ट साइड, और ये देखिए ये वेस्ट साइड को जाती है फतेहपुरी मस्जिद की तरफ, और नॉर्थ साइड में ये टाउन हॉल, ये म्यूनिसिपल हॉल है, इसकी भी बहुत कहानी है। इसके सामने स्वामी श्रद्धानंद की स्टैचू है, और एक तिरंगे आप देख सकते हैं। तेजू टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन, और थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको, लास्ट तक दिखाएंगे चांदनी चौक, ख़त्म करके ही छोड़ेंगे लास्ट में फतेहपुरी मस्जिद, वहाँ तक चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए आपको चारों तरफ घुमा के दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं इससे पहले भी चांदनी चौक आया हूँ, लेकिन अब पुनर्निर्माण के बाद पहली बार आया हूँ। देखने में इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है पुनर्निर्माण के बाद, आप देख सकते हैं बिल्कुल सजाया है। बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गए हैं, चांदनी चौक अब ख़त्म होने ही वाला है। दूर से दिख रहा है फतेहपुरी मस्जिद, वहाँ तक है चांदनी चौक बाज़ार। चलिए हम आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देंगे फतेहपुरी मस्जिद। ये दरवाज़ा दिख रहा है लाल सा, ये फतेहपुरी मस्जिद का दरवाज़ा है। चलिए आपको अंदर से भी थोड़ा दिखाएँगे हम। चलिए चलते हैं अंदर, ये एंट्री गेट है, हम अब एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम फतेहपुरी मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद 1650 में मुग़ल सम्राट शाहजहां की बीवी फतेहपुरी बेगम ने ये मस्जिद बनवाया था। हमने पूरी चांदनी चौक घूम लिया, अब चलेंगे वापस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।
ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें।